तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए मैं आपको कहाँ ले आया हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ अपने घर का व्यू, और घर के भर क्यों व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन। देख लीजिए, ये आपका शंकर भगवान का मंदिर है, और ये मेरे घर के आगे 20 फुट की रोड है दोस्तों, देख लीजिए। और मैं आपको अंदर से बताता हूँ, है मेरे घर का व्यू, देख लीजिए। नीचे मार्बल लगा हुआ है, और देख लीजिए एक गैलरी है, और मैं आपको पूरा व्यू बता रहा हूँ, देखिए। एक ये कमरा है दोस्तों, देख लीजिए, एक कमरा ये है, और ये मार्बल लगा हुआ है, और देख, और ये हमारी है आधी अधूरी किचन है, देख लीजिए। और ये है हमारी लैट्रिन बाथरूम है, देख लीजिए, नल वगैरह सब फिटिंग है, और ये अंदर लैट्रिन है, और ये मैं आपको दूसरा कमरा है जी, देख लीजिए। एक ये कमरा है, बहुत ही बढ़िया एकदम, इस बार थोड़ी पुताई नहीं हुई है, इसके कारण दीवारें थोड़ी आपको गंदी नजर आ रही होंगी, देख लीजिए। और ये देखिए मार्बल लगा हुआ है, और मैं आपको जीने का बता देता हूँ, देख लीजिए ये जीना, ये जीना ऊपर, और देख लीजिए भंडरिया बनी हुई। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों, बताने का मकान बताने का क्या मतलब है, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखिए जब से चैनल बनाया है, देख लीजिए, देख लीजिए छत पर हमारी बीवी बैठी हुई, और ये देखिए ये मेरी मशीन है, यहाँ पे मशीन में सिलाई करता हूँ, ये देखिए, ये देख लीजिए। और ये मेरे मकान के पास में जो शंकर भगवान का मंदिर है वो देख लीजिए, और ये पास में कुआं है, और ये थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये देख लीजिए एकदम बढ़िया बेहतरीन, और 15x35 का बना हुआ है दोस्तों, 15x35 का बना हुआ है, मैं कह सकता हूँ बहुत ही बढ़िया, एक फैमिली के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मकान है। और मकान बताने का मतलब क्या है, तो मकान बताने का मतलब है दोस्तों, मुझे ये मकान बेचना पड़ रही है, कर्जा वालों को। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, कर्जा वाले मतलब जिनसे मैंने पैसा लिया है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है, वो मेरा ये थोड़ा सा गेटअप वगैरह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो बार बार फोन लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, किसी से झगड़ा हो जाए या किसी से कुछ, या कभी कोई गलत फहमी के कारण कभी कुछ कर करा दे, तो मैं सभी जितने भी पैसे मुझे देना है सभी कर्जा वालों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा समय देखिए, ये मकान बेच रहा हूँ मैं। कल वो भाभी जी ने मेरा चेक लगा दिया, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, देखिए खुआ नहीं हूँ, जो भी आपका हिसाब है एक दिन हो जाएगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। और ये मकान मैं इसलिए बेच रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए नाना खेड़ी पर पिपरौदा रोड पर मेरा मकान है, 15x35 का रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या कहते हैं, 20 फुट की रोड है, नामांतरण है, डायवर्सन है, और सब कुछ है, मात्र 7.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ दोस्तों, 7.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ। अगर कोई भी इच्छुक व्यक्ति मेरा मकान को लेना चाहे तो जरूर ले सकता है, मेरे फोन पर फोन लगाइएगा 9680532289 पर। और क्या करें, जीवन है, संघर्ष है, लेकिन मैं किसी के पैसे नहीं रखना चाहता, पहले भी मैंने सोचा था मकान बेचने की, लेकिन मकान नहीं बिक पाया, अब मुझे फाइनली मकान बेचना पड़ रही है। अगर मैं चैनल नहीं बनाता तो लोग मुझे इतने ज़्यादा पैसे के लिए नहीं सताते, लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया है लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन लगाने लगे हैं पैसे के लिए, जबकि पैसा नहीं है, लेकिन किस्मत ख़राब है, कोई ऊपर का हाथ नहीं है, ऊपर हाथ होता तो मैं भी दोस्तों क्या करें, बहुत ज़्यादा ब्याज दे चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ,
लोगों को 5-5 साल ब्याज दिया है मैंने, लेकिन मूल रकम है वो आज ही मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जीवन है, जिससे लिया है उसको नहीं देंगे, वो जिंदगी भर खउआ कहेगा, मैं खउआ नहीं बजना चाहता दोस्तों, अपने जीवन में मैं नहीं चाहता कि अगर इस जन्म में मरूं और पता नहीं कुत्ता गधा घोड़ा बनकर जमीन पर आऊं और उनकी सेवा करूं, इसलिए मैं 1-1 रुपये थोड़ा बहुत कर्जा है, ज़्यादा नहीं है, सबका हिसाब करूंगा तो मुश्किल से 1-2 लाख रुपए बैठेगा, लेकिन मकान इसलिए बेचना पड़ रही है कि 1-2 लाख रुपए रकम बहुत होती है। मैं अपना चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, 2-3-4 महीने में ग्रो कर लेता, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, उनको अर्जेंट में पैसे वापस चाहिए, तो बस मैं कह सकता हूँ दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, और जितने भी जो जिनको मैंने पैसे देना है उन सभी को वीडियो बनाकर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि विश्वास रखिएगा, बहुत जल्दी मैं मकान बेच रहा हूँ, आपको पूरे पेमेंट आपको जितना भी है सब बैठकर हिसाब कर लेंगे, और मैं सबको अपने 1-1 रुपये दूंगा, मुझ पे चाहे 1 रुपये ना बचे, लेकिन सबको 1-1 रुपये दूंगा, 7.5 लाख रुपये में मकान बेच रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो भी मुझे मकान देखने आए वो पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मेरे मकान पर आइएगा, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।